हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम जो आरपीएससी का एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्ज़ाम जो कि 2011 में हुआ था, उसमें जो भी बोटनी के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन बोटनी के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये इस सीरीज़ का पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड पहले आ चुके हैं, तो उन्हें भी देखिए। वो आपके एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्ज़ाम जो कि 2020-21 में होने वाला है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि जिस दर से प्रकाश ऊर्जा का कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है, वह कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहलाती है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जिस दर से प्रकाश ऊर्जा का कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है, वह कहलाती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट का कम्युनिटी में एंटर होते हैं। एनर्जी और न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो कम्युनिटी में एंटर किसके द्वारा होते हैं? तो वह एंटर होते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा। किसके द्वारा एंटर होते हैं? प्रोड्यूसर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ इनर कनेक्टेड फूड चैन, मतलब इनर कनेक्टेड फूड चैन क्या कहलाती है? इनर कनेक्टेड फूड चैन आपस में क्या कहलाती है? फूड वेब। क्या कहलाती है? फूड वेब। जो अगर फूड चैन आपस में इनर कनेक्टेड होती है ना, तो वो क्या कहलाने लग जाती है? फूड वेब कहलाने लग जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेयर रॉक पर सबसे पहले कौन उगता है, मतलब बेयर रॉक पर सबसे पहले कौन कॉलोनाइज होता है? तो बेयर रॉक मतलब ऐसी चट्टान जिस पर कि पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पर सबसे पहले कौन उगता है? लाइकेन। कौन उगता है? लाइकेन। तो लाइकेन क्या हो गया? बेयर रॉक पर क्या है? पायोनियर स्पीसीज हो गई, पायोनियर स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीसीज का सीक्वेंस जिसके द्वारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होता है, तो ऐसे स्पीसीज का ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है, ये पहली स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज, और इसके द्वारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हुआ, तो ये स्पीसीज का सीक्वेंस क्या कहलाएगा? फूड चैन। क्या कहलाता है? फूड चैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विस बायोकेमिस्ट जिसने कि 1868 में डीएनए की खोज की, स्विस बायोकेमिस्ट मतलब स्विट्जरलैंड का एक बायोकेमिस्ट था जिसने कि 1868 में डीएनए की खोज की, वो कौन था? फ्रेडरिक मिक्सचर। कौन था? फ्रेडरिक मिक्सचर। तो वो उसने डीएनए की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट है कि वह प्रयोग जिसमें यह दर्शाया गया है कि डीएनए बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल होता है, तो बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। ये किस प्रयोग में बताया गया? ये बताया गया हार्से चेज एक्सपेरिमेंट में। कौन से एक्सपेरिमेंट में बताया गया? हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए मॉलिक्यूल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो डीएनए मॉलिक्यूल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके रूप में होती है? न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के रूप में। ये न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उसकी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या होता है? डीएनए। तो डीएनए मॉलिक्यूल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोटाइड के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में एक बेस पेयर की दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी, तो एक बेस पेयर है इससे दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? तो उस एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और अगर इसको नैनोमीटर में बदलना हो तो कितना हो जाएगा? इसकी किससे गुणा कर, इसका किससे भाग दे देंगे? 10 से, तो कितना आ जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। कितना आ जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। तो ओके, तो ये क्वेश्चन था कि डीएनए के जो दो बेस पेयर होते हैं, ये बेस पेयर इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेशन में प्रयुक्त होने वाला मोनोमर, तो डीएनए का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है डीएनए का मोनोमर? डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वगंधा की रूट में पाया जाने वाला एल्केलॉइड, तो अश्वगंधा क्या होता है? विथानिया सोमनीफेरा। तो विथानिया सोमनीफेरा की रूट में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? सोमनीफेरिन। कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? सोमनीफेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में उगने वाले औषधीय पादप, राजस्थान में कौन कौन से औषधीय पादप उगते हैं? पहला विथानिया सोमनीफेरा जिसे अश्वगंधा भी कहते हैं, दूसरा कॉमीफेरा वाइटियाई, कॉमीफेरा वाइटियाई और विथानिया सोमनीफेरा, ये औषधीय पादप है जो कि राजस्थान में उगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है धतूरा में पाया जाने वाला एल्केलॉइड, तो धतूरा में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? धतूरा में पाया जाता है स्कोपोलेमिन और हायोसायामिन। स्कोपोलेमिन और हायोसायामिन।
इसको पोलेमिन और आयोसायामिन, ओके, ये धतूरा में पाए जाने वाले एल्कलाइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय का बोटेनिकल नेम, चाय का बोटेनिकल नेम क्या होता है? कैमेलिया साइनेंसिस। चाय का बोटेनिकल नेम क्या होता है? कैमेलिया साइनेंसिस। ओके, और चाय की फैमिली कौन सी होती है? थीएसी, THEACEA, थीएसी। चाय की फैमिली कौन सी होती है? थीएसी। चाय का बोटेनिकल नेम क्या है? कैमेलिया साइनेंसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राजस्थान का राज्य वृक्ष, मतलब राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन होता है? खेजड़ी होता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीची का नेटिव प्लेस कौन सा है, मतलब लीची कहाँ से आई थी? तो लीची का मूल निवास कहाँ है? चीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायफल का बॉटनिकल नेम, क्या है? तो जायफल का बॉटनिकल नेम है मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस। क्या है? मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस, जायफल का बॉटनिकल नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चॉकलेट किससे प्राप्त होती है? तो चॉकलेट कौन से प्लांट से प्राप्त होती है? थियोब्रोमा काकाओ। ठीक है, चॉकलेट कौन से प्लांट से प्राप्त होती है? थियोब्रोमा काकाओ। ओके, चॉकलेट प्लांट प्राप्त होती है थियोब्रोमा काकाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्फिन निष्कर्षित होती है, मॉर्फिन मतलब किससे प्राप्त होती है? तो मॉर्फिन कौन से प्लांट से प्राप्त होती है? जो मॉर्फिन प्राप्त होती है पेपेवर सोमनीफेरम। किससे प्राप्त होती है? पेपेवर सोमनीफेरम क्या होता है? अफीम के प्लांट से क्या प्राप्त होती है? मॉर्फिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हींग प्राप्त होती है, हींग किससे प्राप्त होती है? तो हींग जो प्राप्त होती है ना, वो फेरूला पादप होता है। फेरूला पादप की जड़ों से प्राप्त होती है हींग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी कॉप मारवाड़। तो मारवाड़ की सागवान किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की सागवान कहा जाता है टीकोमेला अंडुलेटा को। किसको कहा जाता है? टीकोमेला अंडुलेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरफेस फाइबर उत्पादक पादप है, मतलब सरफेस फाइबर किससे प्राप्त होते हैं? तो वो गोसेपियम हर्बेशियम। किससे प्राप्त होता है सरफेस फाइबर? गोसेपियम हर्बेशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइस का सेंटर ऑफ ओरिजिन, मतलब राइस का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? राइस का ओरिजिन कहाँ हुआ था? इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मूंग है उसका बोटनिकल नेम क्या होता है? मूंग का बोटनिकल नेम क्या होता है? विग्ना रेडिएटा। क्या होता है? विग्ना रेडिएटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पोटेटो यानी कि आलू होता है उसका नेटिव प्लेस कौन सा है? तो आलू का मूल निवास कौन सा है? आलू कहाँ से आया था? आलू आया था पेरू से। कहाँ से आया था? पेरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही बायोलॉजिकल स्पीसीज के मेंबर पोटेंशियली एबल होते हैं। क्या चीज़ एक ही जो स्पीसीज होते हैं ना उसके मेंबर है ना, क्या करने में पोटेंशियल होते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं? तो इंटरब्रीड करने में, आपस में इंटरब्रीड करने में वो पोटेंशियल होते हैं एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटेनॉन होता है ना, वो क्या होता है? एक कीटनाशी होता है जो कि किससे प्राप्त होता है? रोटेनॉन एक कीटनाशी है जो प्राप्त होता है डोरिस ट्राइफोलिएटा से। किससे प्राप्त होता है? डोरिस ट्राइफोलिएटा। रोटेनॉन कीटनाशी है जो कि प्राप्त होता है डोरिस ट्राइफोलिएटा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की पाम ऑयल प्राप्त होता है, पाम ऑयल किससे प्राप्त होता है? तो पाम ऑयल प्राप्त होता है इलेइस गिनेंसिस। किससे प्राप्त होता है? इलेइस गिनेंसिस। पाम ऑयल प्राप्त होता है इलेइस गिनेंसिस से प्राप्त होता है पाम ऑयल। ओके, ठीक है, रबड़ उत्पादक प्लांट, मतलब रबड़ किससे बनता है, कौन से प्लांट से रबड़ बनता है? हेविया ब्राज़ीलेंसिस। किससे प्राप्त होता है रबड़? हेविया ब्राज़ीलेंसिस से। तो रबड़ उत्पादक पादप कौन सा है? हेविया ब्राज़ीलेंसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालें कौन सी फैमिली से पाई जाती है, मतलब कौन सी फैमिली में आती है दालें? दालें आती है फैबेसी फैमिली में। कौन सी फैमिली में? फैबेसी फैमिली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट क्या होती है? तो नेचुरल सिलेक्शन होती है उसकी यूनिट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है ना, वो नेचुरल सिलेक्शन की यूनिट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोलॉजी की वह शाखा जिसका आविर्भाव डार्विनियन इवोल्यूशन एंड मेंडेलियन जेनेटिक्स के सिंथेसिस से हुआ। डार्विनियन इवोल्यूशन और मेंडेलियन जेनेटिक्स, इनके सिंथेसिस से किससे हुआ? कौन सी शाखा का निर्माण हुआ? वह शाखा थी पॉपुलेशन जेनेटिक्स। कौन सी शाखा थी? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ओके, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल कलेक्शन ऑफ जीन, मतलब किसी पॉपुलेशन के पूरे सारे के सारे जीन होते हैं ना, उनका कलेक्शन क्या कहलाता है? जीन पूल। किसी पॉपुलेशन के सारे जीन का कलेक्शन क्या कहलाता है? जीन पूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडेप्टिव इवोल्यूशन, एडेप्टिव इवोल्यूशन क्या होता है? एक प्रकार का माइक्रो इवोल्यूशन है। जो एडेप्टिव इवोल्यूशन होता है ना, वो क्या है? एक प्रकार का माइक्रो इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का प्रभाव पड़ता है, तो नेचुरल सिलेक्शन का प्रभाव किस चीज़ पे पड़ता है? ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप पर। किस पे पड़ता है? ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चार्ल्स डार्विन की बुक कौन सी थी? कि ऑन चार्ल्स डार्विन की बुक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इस बुक का प्रकाशन कब हुआ? इस बुक का प्रकाशन हुआ 1859 में। कब हुआ था इस बुक का प्रकाशन? 1859 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्विन के अनुसार एक ही महाद्वीप के दो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती है, क्योंकि उन एरिया में क्या होता है? डार्विन ने कहा था कि एक ही जो महाद्वीप है उसका ये एरिया है, इसमें तो अलग स्पीशीज है, इस एरिया में अलग स्पीशीज है, तो अलग अलग एरिया में स्पीशीज अलग पाई जाती है। इसका कारण क्या है कि उन दोनों एरिया में एनवायरनमेंट क्या है? डिफरेंट है, वातावरण दोनों में डिफरेंट है, उसके कारण उन स्पीशीज में क्या आ गई? भिन्नता आ गई। ओके, सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस जो कि डार्विनवाद से संबंध रखता है, वो एविडेंस कौन सा है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है ना, वो डार्विनवाद का महत्वपूर्ण एविडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की यूनिट क्या है? तो इवोल्यूशन की यूनिट होती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होती है ना, उसमें ही क्या होता है? इवोल्यूशन। इंडिविजुअल में इवोल्यूशन नहीं होता, इंडिविजुअल में एक में हो गया इवोल्यूशन तो म्यूटेशन टाइप का होता है। तो इवोल्यूशन कब होता है? जबकि वो पूरी पॉपुलेशन में हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह वायरस जो अपने होस्ट को मारे बिना ही जनन कर सकता है, तो वह वायरस जो अपने होस्ट को मारता नहीं है, मारे बिना ही जनन कर देता है, वो कहलाता है टेम्परेट वायरस। क्या कहला? कौन सा वायरस? टेम्परेट वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना, उनके रिजल्ट है ना, कब प्रकाशित किए थे? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट प्रकाशित किए थे 1866 में। कब प्रकाशित किए थे? 1866 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो शुद्ध प्रभेदों के क्रॉस से उत्पन्न संतति, दो प्योर स्ट्रेन के क्रॉस से उत्पन्न संतति क्या कहलाती है? हाइब्रिड। क्या कहलाती है? हाइब्रिड। दो शुद्ध प्रभेदों के क्रॉस से उत्पन्न संतति क्या कहलाती है? हाइब्रिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड कलर के संदर्भ में प्योर स्ट्रेन वाले मटर के पौधे का सीड कलर ग्रीन है, सीड कलर के संदर्भ में यह मटर का पौधा कितने प्रकार के एग प्रोड्यूस कर सकेगा? तो मतलब उसने बोला है कि जो है ना, सीड का कलर क्या है? प्योर ग्रीन है, प्योर ग्रीन है, मान लो कि स्मॉल वाई वाई, ठीक है, तो वो कितने प्रकार के एग प्रोड्यूस कर पाएगा? तो होमोजाइगस कंडीशन है, तो कितने प्रकार के एग प्रोड्यूस कर पाएगा? एक ही प्रकार का कर पाएगा। ओके, तो इसका आंसर है एक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें किसी ट्रैट के एलील की दोनों कॉपी सेम हो, कोई ट्रैट है मतलब यानी कोई लक्षण है उसके जो अलील है उसकी दोनों कॉपी सेम हो, तो वो क्या कहलाता है? होमोजाइगस। तो क्या कहलाएगा? होमोजाइगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये जीनोटाइप है, इससे कितने प्रकार के गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं? तो गैमेट प्रोड्यूस होने का सूत्र क्या होता है? 2n, मतलब 2n, n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो इसमें हेट्रोजाइगस कितने दिख रहे हैं? कैपिटल सी स्मॉल सी एक, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दो, तो दो हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं। तो यहाँ अगर 2 की पावर 2 मतलब 4, तो इसमें ना कितने गैमेट प्रोड्यूस हो पाएंगे? तो इसमें गैमेट प्रोड्यूस हो पाएंगे 4। कितने हो पाएंगे? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मिराबिलस जलापा होता है ना, उसमें रेड फ्लावर कैपिटल RR और वाइट फ्लावर, इन दोनों का क्रॉस होता है ना, तो क्या प्राप्त होता है? जो फ्लावर प्राप्त होता है ना, उसका रंग क्या होता है? पिंक होता है, ठीक है। तो इससे क्या कहेंगे? ये क्या होता है? नॉर्मली तो क्या होना चाहिए? वो प्राप्त होना चाहिए रेड फ्लावर प्राप्त होना चाहिए, ये जीनोटाइप वाला कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन प्राप्त होता है पिंक फ्लावर प्राप्त होता है। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता। क्या कहलाता है ये?
अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे जीन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते वे पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते तो वो जीन कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनमें पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनमें पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड से प्रतिस्थापन, एक न्यूक्लियोटाइड है उसका ही दूसरे न्यूक्लियोटाइड से प्रतिस्थापन हो गया, ये क्या कहलाता है? एक प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन। क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि डीएनए मॉलिक्यूल का एक साइड में एक स्ट्रेंथ में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ए, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है? AGCT, तो दूसरी स्ट्रेंथ में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। तो अपन को पता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ना उल्टा होता है, तो एक में है AGCT है, तो इसमें इधर से क्या होगा? तो ए का उल्टा क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री टी। ए का उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री टी, जी का सी, सी का जी होता है, टी का ए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का अपन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अपन को पता है ए किससे बनाता है? टी से, जबकि सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जी, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डीएनए में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेशन में यूज्ड मोनोमर, तो डीएनए रेप्लिकेशन में जो मोनोमर होता है ना वो मोनोमर कौन सा होता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए होता है ना वो न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? पॉलीमर होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बना लेते हैं? डीएनए बना लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में लैगिंग स्ट्रैंड में बनने वाले ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ा जाता है। तो मतलब डीएनए में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं ना, ये डीएनए होती है, डीएनए की दो स्ट्रैंड होती है, एक तो जो कंटिन्यूस होता है उसको लीडिंग, और जो डिसकंटिन्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? लैगिंग। तो लैगिंग में जो डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं ना उनको क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो उनको जो जोड़ने का कार्य करता है ना वो कौन करता है? डीएनए लाइगेस। कौन करता है? डीएनए लाइगेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 64 कोडोनों में से अमीनो एसिड को कोड करने वाले कोडोन है, मतलब जो 64 कोडोन होते हैं कुल, तो उनमें से ऐसे कोडोन कौन से है जो कि अमीनो एसिड को कोड करते हैं? मतलब वो है कोडोन उपस्थित तो कोई ना कोई अमीनो एसिड आएगा ही। तो 64 में से जो 61 होते हैं ना कोडोन, वो सेंस कोडोन होते हैं। ओके, जबकि जो तीन कोडोन क्या होते हैं? नॉन सेंस, मतलब वो कोडोन प्रेजेंट है तो अमीनो एसिड नहीं आता है, क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, उनको स्टॉप कोडोन भी कहते हैं। तीन कोडोन नॉन सेंस कोडोन होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की प्रक्रिया में के निम्न चरण होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होते हैं ना उसके चरण क्या क्या होते हैं? तो उसके चरण होते हैं, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया, फिर उसको है ना डीएनए को कट करते हैं, जो अपन को डीएनए का जो मेन भाग चाहिए होता है ना उसको कट करते हैं, फिर जो कट किया हुआ जीन होता है ना उनका एम्प्लीफिकेशन करते हैं। किसमें करते हैं एम्प्लीफिकेशन? पीसीआर मशीन में, ठीक है, उसको बहुत सारी कॉपियां बना लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करते हैं? उस जो जीन होते हैं ना उसको किससे जोड़ देते हैं? वाहक से जोड़ देते हैं, क्लोन से जोड़ करके जो डीएनए बनता है ना उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में डालते हैं? होस्ट सेल में डाल देते हैं। जिस सेल में डालते हैं ना वो क्या कहलाती है? होस्ट सेल। ओके, फिर क्या करते हैं कि फॉरेन जीन होते हैं ना कि प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं, होस्ट सेल में डाला तो फिर है ना वो जब रेप्लिकेशन करता है ना तो उससे है ना क्या प्राप्त होता रहता है? प्रोडक्ट प्राप्त होता रहता है। फिर उस प्रोडक्ट की क्या करते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिलगोजा है, तो चिलगोजा क्या होता है? पाइनस होता है ना, पाइनस का बीज क्या कहलाता है? चिलगोजा। पाइनस का बीज क्या कहलाता है? चिलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टोमेटा का शीघ्रता से बंद होना, मतलब स्टोमेटा को बंद खोलने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? वो करता है ABA हार्मोन। कौन सा? एब्सिसिक एसिड हार्मोन। स्टोमेटा के खुलने बंद होने को नियंत्रित करता है एब्सिसिक हार्मोन, ABA हार्मोन। ओके, क्वेश्चन है कि जो C3 प्लांट में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो C3 प्लांट में CO2 का प्रथम ग्राही कौन है? C3 प्लांट में CO2 का प्रथम ग्राही होता है रूबिस्को 1,5-डाइफॉस्फेट, मतलब रूबिस्को 1,5-डाइफॉस्फेट CO2 का एसेप्टर होता है, फर्स्ट एसेप्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डार्क रिएक्शन होती है,
तो डार्क रिएक्शन होते हैं ना, कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है, जबकि लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बायोकैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, मतलब जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ओके ये भी सही है। स्पेसिफिक जीन द्वारा बनते हैं, एक एंजाइम होता है वो एक स्पेसिफिक जीन द्वारा बनता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कि पक्षी रेप्टाइल्स एवं पक्षियों के बीच की योजक कड़ी है, रेप्टाइल्स एवं पक्षियों के बीच की योजक कड़ी क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स है। क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की mRNA से cDNA का बनना, mRNA से DNA का बनना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इन्हें पता है DNA से mRNA बनता है उसको तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, लेकिन अब mRNA से DNA बन रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिट्रिक एसिड किस फंजाई से प्राप्त होता है? तो सिट्रिक एसिड किससे प्राप्त होता है? एस्परजिलस नाइगर से। किससे प्राप्त होता है? एस्परजिलस नाइगर से। सिट्रिक एसिड एक फंजाई से प्राप्त होता है, उसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। क्या है? एस्परजिलस नाइगर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट होते हैं, तो ब्रायोफाइट के जो स्पोरोफाइट होते हैं ना वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है और शॉर्ट लिविंग होता है। तो ब्रायोफाइट में ना मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट होते हैं वो शॉर्ट लिविंग और गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटी टॉक्सिन होता है, बीटी टॉक्सिन क्या होता है? क्राइब प्रोटीन। बीटी टॉक्सिन होता है क्राइब प्रोटीन। ओके अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।